हेलो, मैं रिदा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। आपने तो कभी कॉल नहीं की तो मैंने खुद ही पहल कर ली। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा बिजी था मैं ऑफिस के काम। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाद में फोन कर लीजिएगा। एक्चुअली वो बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, तो कॉल करना आपको पॉसिबल नहीं होगा। व्हेन आई पर्सनली फील लाइक, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा। आप प्लीज मेरी कॉल का इंतजार मत कीजिएगा। मैं कह रही थी कि हम इस वीकेंड पे मिल सकते हैं। आप हमारे घर आ जाइएगा या हम ड्राइव पर चलेंगे। मिलना लाजमी है। जाहिर सी बात है फवाद, हमारी मंगनी हुई है और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि आप सुल्तान के दोस्त हैं। मैं आपको जानना चाहती हूँ, अगर हम मिलेंगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? I'll think about it. अभी सब कुछ इस कैजुअल के मुताबिक चल रहा है। मेरी मीटिंग के लिए कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज़। सोच कर बताऊंगा, समझता क्या है खुद को? बात हुई फवाद से तुम्हारी? हाँ, क्या कह रहा था? उसने क्या कहना है, जो भी कहा है मैंने ही कहा है। मिलने को कहा तो साफ इनकार कर दिया, बात करने के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। साफ जाहिर होता है उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे लगता है किसी ने जबरदस्ती रिश्ता करवाया। मंगनी वाले दिन भी कैसे मुंह फुलाकर बैठा था, देखा था आपने? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि उसके पास मेरे लिए बात करने को, मुझसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं है? सुल्तान किस अजाब में फंसा दिया तुमने मुझे? जान छुड़ाओ मेरी इस लड़की से। यू डू नो माई फियांसे वेरी वेल। उसे अगर पता लग गया ना तो मेरी जान अजाब में आ जानी है। किस मुसीबत में फंसाने जा रहे हो यार तुम मुझे? बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी जान छूट जाएगी इस अजाब से। कैसे, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? मुझे कुछ तो हिंट दो कि कब तक मुझे ड्रामा चलाना पड़ेगा। रिलैक्स, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट वीक मैं हारून को दुबई भेज रहा हूं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर आई है, जा रहे अगले हफ्ते इंटरव्यू देने के लिए। कह रहा था सुल्तान साहब से भी बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है उसके वहाँ जॉब करने पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे भी दिन फिर गए। कह रहा था अम्मी बहन की शादी ऐसी धूम से करूँगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। किसकी जॉब की बात कर रहे हैं आप? आपको भाई ने नहीं बताया, उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इसे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये कुछ खबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा। अच्छा अम्मी, भाई आएंगे ना तो उनको कहना आते हुए मिठाई भी ले आए। अरे कह दिया था मैंने उसे, ये भी पागल। कह रहा था कि अम्मी पहले इंटरव्यू देने दे और ये बात किसी से नहीं करना, भाई नजर लगती है। वैसे एक बात है भाई, जो भी पोता पोती इस दुनिया में आ रहा है ना, मेरा बहुत अच्छी किस्मत लेके आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल अम्मी, ठीक कह रही हैं। नगीन, वो याद आया, सुल्तान साहब और फवाद आ रहे हैं रात को खाने पे। देखो बहुत अच्छे से एहतमाम करना खाने का। वो क्यों आ रहे हैं? शादी की तारीख लेने? आपको भाई ने नहीं बताया? जॉब की मुबारकबाद देने आ रहे हैं।